आपसे शादी की ऑफर करवाता है कि मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ और आपको बाइज्जत तरीके से अपने पास रखूंगा, सेफ रखूंगा, ये सब छोड़ देने जरूरत ही नहीं है। छोड़ दूंगी, इज्जत दे दो सही ना। दिल्ली धरती के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हुमा खालिद और इस वक्त मेरे साथ सादिया शेख मौजूद हैं जो कि अपनी आधी जिंदगी थिएटर में वक्फ कर चुकी। इंटरटेनमेंट में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया मगर आज ये घड़ी शो इलामा इकबाल रोड पर मौजूद हैं और एक छोटा सा ढाबा, छोटा सा इनका कारोबार है जो ये चला रही हैं। इन्होंने शादी नहीं की अभी तक, ये कंवारी हैं और किस तरीके से ये खुद को खुद के लिए कमा रही हैं और खुद का पेट पालने के लिए दिन रात यहाँ पर मेहनत करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आपको इनकी कहानी बताते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताएं मैम कि कब से आप ये काम कर? ये मुझे हो गया तकरीबन लॉकडाउन से पहले शुरू किया था, उसके बाद लॉकडाउन पड़ गया, बस जब से ये कर रही हूँ। पहले बारबेक्यू का था, बारबेक्यू की इतनी महंगाई हो गई, मसाले मसूले चिकन वगैरह बारे में नहीं है, कस्टमर वो पैसे नहीं देता। अब वो बीस वाला तो दौर नहीं रहा ना, हाँ जी, तो वो खराजात पूरे नहीं होते थे, वो छोड़ दिया मैंने। अब मैंने ये अंडा टिक्की लगाई हुई है और सालन होता है, एक घर की रोटी होती है और चाय होती है। अच्छा मुझे बताएं कि आप थिएटर में माशाल्लाह इतने साल काम कर चुकी हैं, इतना आपने अपना नाम बनाया, तो फिर वहाँ से कैसे स्किप क्यों किया? बस आपको पता है हर जगह के हालात कैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे डांस भी नहीं आता, मैं डांसर नहीं थी, मैं मतलब के झुकते वगैरह, अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, शेल साहब के साथ काम किया है, मस्ताना साहब के साथ काम किया है, बब्बू बराल साहब के साथ, अमान साहब के साथ, मतलब काफ़ी बड़े लेजेंड एक्टरों के साथ मैंने काम किया, मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया हुआ है, तो काफ़ी आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया, बिग आर्टिस्टों के साथ, तो अब वो वक्त नहीं रहा। अब आपको थिएटरों के हालात भी देखो कैसे जा रहे हैं, बहुत बुरे हालात हुए हैं थिएटरों के भी। अब मेरे ख्याल से जो उस वक्त में थिएटर हुआ करता था, अब तो उस थिएटर का मतलब ही बदल चुका है आज के ज़माने में। हाँ जी ये तो है, जब मतलब ज़माना भी बदल गया, थिएटर भी बदल गए। अच्छा मुझे बताएं कोई आपके काम के दौरान आपकी ज़िंदगी का कुछ कोई ऐसा वाकया जो आप आज तक याद करती हैं तो आप मुस्कुरा देते? वाकया तो बहुत से ज़िंदगी में आते हैं, ट्रेजडियाँ भी आती हैं, दुख सुख ज़िंदगी के साथ ही है ना। अभी साल पहले की बात है, मैंने बारबेक्यू की दुकान आपको कहा मैंने डाली थी वहाँ पे घड़ी शो बाज़ार में, तो वहाँ छत गिर गई, मुलाजम भी था मेरे पास, अच्छा सेटअप लगाया हुआ था मैंने वहाँ पे भी, तो वो बेचारा छत गिरी, बस सोया हुआ था, वो फोत हो गया, तो बस उसके बाद फिर मैं वो छोड़ दी दुकान, यहाँ आ गई, वो दुकानदारों ने भी फ्रॉड किया, वो बिल आता था मुझे 1200 का, तो वो अपना बिल मुझे देते रहे, मेरा बिल खुद पे करते रहे, वो उनका बिल आता था 15-15 हज़ार का, बस अब दुनिया बेईमानी पे उतरी हुई है। फिर मुझे ऐसी आती है इस बात पे कि अल्लाह कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं कि ये नहीं देखते कि हम औरत के साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा आगे जाके, ये दुनिया में तो कर लेंगे, ऊपर जाके क्या करेंगे, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। कोई शक नहीं। अच्छा मुझे बताएं आपने शादी क्यों नहीं की? शादी मेरे अल्लाह को जो मंजूर। कोई पसंद नहीं आया जिंदगी में? नहीं पसंद तो आए है लेकिन जेब में पैसा नहीं है, घर अपना नहीं है। क्या शादी के लिए एक औरत की जेब में पैसा होना जरूरी है? अब पहले होता था, माँ बाप जहाँ बेटियों की शादी कर देती थी, बेटियों ने कभी ना बेटों ने पूछा था माँ तुम कहाँ कर रही हो, ना बेटियों ने कभी पूछा था कि अम्मी तुम ये क्या किया तुमने। अब जो रिश्ते हैं ना वो चेंज हो चुके हैं, अब जो है ना लड़के वाले वो पूछते हैं कि लड़कियों के पास क्या है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, लड़की को काम भी करती है, कोई बिजनेस करती है, क्या करती है, अगर है तो वो हमारे बेटे को कारोबार डाल दे, इस तरह के रिश्ते अब चल पड़े हैं। पहले पूछा जाता था कि हमारी बेटी सुखी रह सकती है इस घर में कि नहीं, अब उल्टा रिवाज हो गया, अब लोग कहते हैं कि बेटा सुखी रह सकता है कि नहीं। सही बात है। अच्छा मुझे बताएं कि आपने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो अब आपने कमाया भी काफ़ी होगा अपने टाइम में? नहीं कमाया होता तो आज मैं रोड पे ना होती। आपके
भाई बहन वगैरह कहाँ हैं, फैमिली कहाँ? वाले साहब मेरे 94 में फोत हो गए थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। वाला मेरी 2007 में फोत हो गई थी। तो अपना भाई एक है, बहन कोई नहीं है। तो वो एक भाई आपसे मिलते हैं? हाँ जी, वो भी बेचारा मेहनत मजदूरी करता है। वो अपने उसके भी दो बेटे हैं, तो वो भी जाहिर है मिल बांट के गुजारे होते हैं जैसे हालात जा रहे हैं। अब जिंदगी कैसी जा रही है? बस इसी तरह मसरूफियत में। खुशगवार है? बस ठीक है, शुक्र है मेरे मालिक का, किसी से ऐसे तो नहीं करना पड़ता। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे, अगर इस एज में कोई आपसे शादी की ऑफर करवाता है कि मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ और आपको बाइज्जत तरीके से अपने पास रखूंगा, सेफ रखूंगा, ये सब छोड़ दें, जरूरत ही नहीं है, तो क्या छोड़ दूंगी? इज्जत दे दो सही ना, बात तो ये है ना, इज्जत दे दो सही। ये जिंदा दिल खातून है जो अपनी अपने लिए मेहनत मजदूरी कर रही है, खुद के लिए कमा रही है और माशाल्लाह इज्जत से कमा रही है, तो सलाम है इनको कि इतने बाइज्जत तरीके से ये ज़िंदगी गुजार रही हैं। बाकी आप यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, इनकी हेल्प भी कर सकते हैं। जगह बता दें, गढ़ी शो मोहम्मद नगर इलामा इकबाल रोड, और ये पाक मदीना ऑयल के साथ ही है मेरी ये स्टॉल लगा हुआ। यह बहुत नज़दीक है जामे निमिया मस्जिद है, सबको पता है जामे निमिया मस्जिद सबसे बड़ी है गढ़ी शो में, जिसे मर्जी पूछ ले। तो कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 0320-499-4767। नाज़रीन, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी हेल्प करें। मैंने ना एक थोड़े से पैसे जमा किए हुए थे, तो मैं और मेरी वालदा अल्लाह जन्नत ज़िक्र पैदल आती थी, पैदल जाती थी, जो जमा पूंजी थी ना वो मेरे से ना फ्रॉड कर गया एक बंदा, वो कि बिजनेस में मैं डाल दूँगी आपके। मेरी एक मुँह बोली बहन थी, उसकी और मेरे, हम दोनों के पैसे, सारी जमा पूंजी मेरी 25 साल की, वो आदमी लेके फरार हुआ है और उस पर पर्चा भी किया हुआ है, इश्तिहारी भी हुआ है, लेकिन कोई उसके पे पुलिस एक्शन नहीं ले रही, कोई हुक्मरान एक्शन नहीं ले रहा। मैं अपीले कर कर के थक गई हूँ, जा के थक गई हूँ कि मेरे गरीब के पैसे मुझे वापस दिला दो। वो आदमी का नाम है सैफ गुराया। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे उस शख्स की तस्वीर भी देख सकते हैं, तो काइंडली थोड़ी सी, अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब से वायरल होने के बाद आप लोगों की नज़र में आ जाती हैं, अगर आप इसी शख्स को जानते हैं, देखें है, तो ज़रूर इनकी हेल्प करें। स्क्रीन पे इनका नंबर भी दिया जा रहा है, उस पर आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहानी सच्ची है या झूठी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।